हम मोनेस्ट्री के बाहर खड़े हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में से नीचे से देख सकते हैं फिल्म। आ चुका हूँ थर्ड फ्लोर पे, आपको ऊपर से दिखाते हैं। फिलहाल ऊपर भी बंद है, दरवाजे लगे हुए हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, तो स्वागत है आपका एक नए दिन की शुरुआत के साथ। फिलहाल हम आज आ चुके हैं मोनेस्ट्री देखने के लिए। यहाँ पे जो पास में मोनेस्ट्री है आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल हम मोनेस्ट्री के बाहर खड़े हैं और आप यहाँ से बाहर का व्यू देख सकते हैं। फिलहाल ये है मोनेस्ट्री, तो हम चलते हैं मोनेस्ट्री के अंदर और हम आपको अंदर से दिखाएंगे कि किस तरीके से बनी हुई है और कैसी है। तो चलिए फिलहाल हम अंदर चलते हैं। अंदर से देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बनी है और यहाँ पे पास में ऑफिस बना हुआ है और यहाँ पे ऊपर कमरे बने हुए हैं इनके रहने के लिए। और ये है इसके अंदर साइड का व्यू। यहाँ पे काफी बड़ा एरिया है, पास में एक लेक है लेकिन ये लेक से पास में जुड़ी है। तो फिलहाल हम आपको अंदर से दिखाएंगे किस तरीके से बनी हुई है मोनेस्ट्री अंदर साइड से। चलिए हम पास में चलते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो फोटो या वीडियो की परमिशन हमने इनसे ले ली थी, आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पे सामने बैठे हुए हैं, तो इनसे हमने बात की थी कि हम वीडियो वगैरह शूट कर सकते हैं, तो बोला हाँ आप कर सकते हैं। तो फिलहाल हम शूट कर रहे हैं वीडियो और हम यहाँ से और आगे से आपको पूरा दिखाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे इनको घुमाएंगे। और फिलहाल आप सामने देख सकते हैं ये जो मेन है इनका मंदिर जो भी है वो इस तरीके से ये सामने आप देख सकते हैं। फिलहाल हम आपको बाहर से दिखा रहे हैं और इसके बाद हम चलेंगे अंदर साइड और अंदर से आपको पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हम आ चुके हैं मेन दरवाजे के पास और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने आपको मूर्त दिखाई दे रही होगी। तो फिलहाल हम आपको फ्रंट का व्यू दिखाएंगे और फिलहाल हम चलते हैं अंदर और अंदर से भी आपको हम प्रॉपर दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मंदिर में पुजारी वगैरह बैठते हैं उनके बैठने के लिए यहाँ पे स्थान बने हुए हैं। इस साइड भी है और इस साइड भी, आप दोनों साइड देख सकते हैं यहाँ पे बैठने के लिए जगह बनी हुई है। तो दीवारों पे आप देख सकते हैं, दीवारों पे काफ़ी सारी फ़ोटो वगैरह बनी हुई है और काफ़ी ज़्यादा है।
आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं, यहाँ पे सजावट के लिए कितनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप पास में काफ़ी सारी चीज़ें और लाइटें, काफ़ी रंग बिरंगी जो ट्यूबलाइट वगैरह है, छोटी छोटी लाइटें हैं और रंग बिरंगी काफ़ी यहाँ पे लगा रखी हैं। और अंदर जो सजावट है वो प्रॉपर कर रखी है, पूरे का पूरा जो तरीके से सजाया हुआ है। तो फिलहाल चलते हैं हम बाहर की तरफ और हम आपको बाहर दिखाने की कोशिश करेंगे, अंदर साइड आपने प्रॉपर देख लिया है। यहाँ सामने देख सकते हैं यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं और आप उनके बैक साइड में देख सकते हैं काफ़ी बड़ा घंटा है। अंदर की साइड जो ज्योतें हैं वो जल रही हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और ये काफ़ी बड़ी है, इसमें घी वगैरह फुल भर के रखा हुआ है। और फिलहाल हम आ चुके हैं पास सामने, यहाँ पे एक कमरा बना हुआ है, आप देख सकते हैं काफ़ी सारी दीपक वगैरह जला रखे हैं। और चलते हैं हम अंदर साइड, फिलहाल हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे देखेंगे आप, आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे इतनी सारी घी की जोत है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारी जोतें जो है वो भर के रखी हुई हैं जलाने के लिए। अब ये कब जलाएंगे कब नहीं और किस वजह से या क्या सिस्टम है इसके बारे में तो कोई पता नहीं, बाकी हम बात करके देखते हैं, अगर बात हो पाई तो हम पूछेंगे उनसे ये क्या है और किस लिए। या देख सकते हैं पूरे के पूरे ज्योति वगैरह भरी हुई हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में कोई ख़ास फंक्शन प्रोग्राम हो तभी हमारे यहाँ पे जलाई जाती हैं, लेकिन इनके यहाँ पे फ़िलहाल ये जलाते ही रहते हैं। हमने इनसे बातचीत की थी तो ये बताया कि ये अक्सर ऐसा करते ही रहते हैं अपना अपना रीति रिवाज के हिसाब से। फ़िलहाल दोस्तों बहुत ही पुरानी मोनेस्ट्री, फ़िलहाल हम आ चुके हैं न्यू मोनेस्ट्री, जो हम इनकी नई मोनेस्ट्री बनी है थोड़ी ही दूर पे है, तो फ़िलहाल हम यहाँ पे आ चुके हैं। फ़िलहाल हम आपको वहाँ का एरिया दिखाएंगे, ये काफ़ी बड़े एरिया में बनाई हुई है, आप यहाँ से नीचे से देख सकते हैं। फ़िलहाल हम ऊपर चलेंगे, हमें जाना है ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर, मोनेस्ट्री जो है मेन इनकी वो ऊपर बना रखी है और काफ़ी बढ़िया बना रखी है, हम पास से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो है वो बंद है, फिलहाल पता नहीं ये ओपन हो चुकी है या नहीं, इसके बारे में हमें कोई मालूम नहीं है। तो फिलहाल आप फ्रंट से देख सकते हैं किस तरीके से बना रखी है ये, और काफ़ी बढ़िया, ज़्यादातर गोल्डन कलर इसमें सबसे ज़्यादा गोल्डन कलर यूज़ किया हुआ है, और इसमें जो है खर्च जो है वो काफ़ी ज़्यादा किया हुआ है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे दीपक है जो जलाने के लिए तैयार किए हैं।
फिलहाल मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आ चुका हूँ थर्ड फ्लोर पे। काफ़ी ऊंची ये बिल्डिंग बना रखी है, तो हम आपको ऊपर से दिखाते हैं। फिलहाल ऊपर भी बंद है, दरवाजे लगे हुए हैं। अभी पता नहीं इसमें जो मूर्त वगैरह बना रखी है या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर लास्ट पॉइंट तक छोटी छोटी मूर्तियाँ जो एक जैसी काफ़ी सारी रखी हुई हैं। किस लिए रखी हैं ये तो पता नहीं है। फ़िलहाल यहाँ पे कोई है नहीं, नहीं तो हम उनसे बात करते। आप यहाँ पे देख सकते हैं वो लास्ट तक इससे साइड में है, वहाँ तक रखी हुई हैं प्रॉपर बना के। फिलहाल आपने मोनेस्ट्री वगैरह देख ली है, ये नई वाली थी, पुरानी ये आपने पहले देख ली है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक ज़रूर कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए ओके बाय।